हाय गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी पर। आज मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो सो गाइज, यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी मतलब कि कही है कि जो जो रिकवरी एजेंट लोन के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं, रिकवरी के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं, तो उनके लिए मतलब कि सदन में पेश हुआ है कि इस पर बैन लगाया जाए। जो जो ये रिकवरी एजेंट है, इन पर बैन लगाया जाए ताकि लोगों के साथ ब्लैकमेल ना करें, हैरेसमेंट ना करें। आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल का यहाँ पर बात है कि मतलब कि रिकवरी करने गए थे मतलब कि ट्रैक्टर के लिए, उसी के नीचे मतलब कि लड़की आ गई और काफ़ी लोग इसमें सुसाइड मतलब कि कर रहे हैं। आपको सुनने के लिए काफ़ी न्यूज़ यहाँ पर मिलेगा कि भोपाल में 410 मतलब कि सुसाइड कर लिए और कहीं पर सुसाइड कर लिए, किनका क्या बिक गया, किनका क्या बिक गया, तो तमाम तरह की ये बातें। तो इसी पर चर्चा चल रही है कि जो ये रिकवरी एजेंट हैं, इनको बैन लगाया जाए या इन पर बैन किया जाए। तो क्या आपका राय है, क्या नहीं राय है? तो जो ये वीडियो मतलब कि आई है, इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर रखना चाहता हूँ। बाकी आपको ये करना है, आपको सपोर्ट करना है और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मान लीजिए कोई इसी टॉपिक पर वीडियो मतलब कि आता है तो अपने YouTube चैनल पर मतलब कि अपलोड कर दूंगा। जरूर से जरूर आप लोग चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट आप लोग दिखा दीजिए ताकि आप लोग के लिए हम इतना आवाज़ उठाते हैं और बोलते हैं जो जो ये NBFC एप्लीकेशन आपके साथ करता है तो ये ना करें, इसके खिलाफ में हम आवाज़ उठाए। जो भी भाई हमारा व्यू जाए, 200, 300, 300 या 150, 50 व्यू, जो भी व्यू जाता है, लेकिन हम आप ही के हित में मतलब कि ये वीडियो बनाते हैं रोज और अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो सपोर्ट जरूर आप लोग दिखाइएगा। गरीब कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। दुर्भाग्यवश कई बार कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड EMI चुकाने में आकस्मिक परिस्थितियों, बीमारी, व्यापार में घाटा इत्यादि के कारण समय पर EMI नहीं चुका पाते। इन मामलों में यह देखा गया है कि बैंकों का उनकी तरफ का रवैया सहानुभूतिपूर्वक नहीं रहता, बजाय उसके वो उनको सूदखोरों की तरह ब्याज पर ब्याज लगाकर ऋण लेने वालों को कर्ज के बोझ के तले दबा देते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद के पूर्व देश में साहूकारों का और सूदखोरों का आतंक था। MI चुकाने के लिए अस्थायी रूप से विफल रहने वाले बैंक कर्मी ऋण के दुर्भाग्य भी कभी करते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन शोषणकारी एवं देश के आम जनसामान को बेचने के लिए, बचाने के लिए सरकारी बैंकों को निर्देश देगी तथा बैंकों को इस निरंकुश और मनमाने रवैये पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार क्या करे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने दो क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पहले क्वेश्चन में मैं बताना चाहूंगा कि हर एक बैंक का बैंक बोर्ड रहता है और जो सिंपल इंटरेस्ट रहो या कंपाउंड इंटरेस्ट रहो उसके बारे में बैंक बोर्ड और बैंक अधिकारी डिसीजन लेते हैं। उसी में सरकार कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन साहूकारों के कर्जों से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे स्कीम्स है जिसमें अगर उन्होंने अप्लाई किए, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है जिसमें उन्होंने अप्लाई किए तो गरीब लोगों को ऋण मिलता है और उनको पैसा मिलता है। मंत्री जी, माय ऑनरेबल कोलीग हैज गिवन एन आंसर। आई वुड वांट टू ऐड समथिंग टू इट। द ऑनरेबल मेंबर हैज रेस्ड अ वेरी सेंसिटिव इश्यू। आई नो आई हैव हर्ड कंप्लेंट्स अबाउट हाउ वेरी मर्सीलेसली द पेइंग बैक has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken and that they should approach this whole matter with a humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public.